ओके गाइस, तो फिर आपको पहले जाना पड़ेगा टी मैक, जो टाइटेनियम मैक चेंजर है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा इधर से, जो कि मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा है। तो फिर हम इधर से सर्च कर लेते हैं TMAC, टी मैक वर्जन 6, उसको आपको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, मैक चेंजर टाइटेनियम मैक एड्रेस चेंजर। ओके, तो ऐसे खोल के आएगा, उसको लोड होने दीजिए पहले। फिर आपके पास ऐसा कुछ आएगा, तो फिर आप देख सकते हैं इधर कुछ मेरे एडाप्टर्स लगे हैं अभी, जो कि VMware एडाप्टर्स है, लोकल एरिया है, लोकल एरिया 3 है, इधर नेट है, लोकल एरिया कनेक्टर है, डेल है, जो कि मेरा वाईफाई एडाप्टर है। तो फिर मैं अभी क्या करूँ कि इधर मुझे मैक एड्रेस चेंज करना है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो कुछ भी हो सकता है कि आपका कोई मैक एड्रेस में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप उसको आपका वाईफाई यूज़ नहीं कर सकते, और फिर बहुत कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते रहते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपका सभी प्रोसेस सेम ही है, तो फिर मैं आपका डेल वाईफाई जो अडाप्टर का है वो मैक एड्रेस चेंज करके आपके दिखा सकता हूँ, इधर से दिखा देता हूँ। तो फिर आपको क्या करना है, पहले ये डेल वाईफाई वाला आपको सिलेक्ट करना है पहले, और फिर रिसिप्ट इसका दिखाया, और इसका ओरिजिनल मैक एड्रेस है ये वाला अननोन एक्टिव, जो कि मैंने पहले ही उसको चेंज करके रखा था, तो फिर ये आया। तो फिर मैं इसको और एक बार चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। तो इसको सबसे पहले ये डेल वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद रैंडम मैक एड्रेस इसको सिलेक्ट कर देना है। और फिर आप देख सकते हैं ये जैसे ही रैंडम मैक एड्रेस सिलेक्ट किया, तो फिर ये मैक एड्रेस थोड़ा आ गया, चेंज हो गया अभी। फिर इसको सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इधर से कुछ भी ले सकते हैं, आपका जापान का या उधर कुछ एड्रेस दिया हुआ है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपका जगह बता देगा उससे, और फिर चेंज नाउ। आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं, जो आपका पहले वाला आपका हार्डवेयर में सेट होता है वो भी आप पहले से आप उसको सेट कर सकते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, चेंज चेंज कर देना है, अभी उसको चेंज कर दीजिए। ये देखिए चेंजिंग मैक एड्रेस लिखा आ रहा है, और आपका मैक एड्रेस वॉज चेंज सक्सेसफुली, आपका मैक एड्रेस चेंज हो चुका है। आपका मैक एड्रेस जो ओरिजिनल मैक एड्रेस है आप उसको इधर ही देख सकते हैं, ये आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हार्डवेयर कंपेबिलिटी है, हार्डवेयर के साथ आता है, तो फिर आप उसको हार्डवेयरली चेंज नहीं कर सकते, उसको आप विजुअली वर्चुअली चेंज कर सकते हैं। तो फिर मैंने ये देखिए वो जो वाला था वो मैंने बिल्कुल आपके सामने ये चेंज कर दिया है, और ये बिल्कुल भी वर्केबल है, उसका कोई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉपरली वर्क करेगा ये जो वाला सॉफ्टवेयर है। आप इसको यूज़ करके कोई भी मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ प्रॉब्लम है आपको इस मैक एड्रेस चेंज के बारे में, तो फिर आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इस वीडियो को अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस लाते रहता हूँ और आपके काम भी आ सकते हैं ये सब कुछ वीडियोस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब प्लीज़, थैंक यू।